जो समाज है अरुणाचल का, जो निशी आदिवासी समाज है, उस पर हम बात करेंगे। निशी आदिवासी जो लोक जीवन है, लोक समाज, उस पर बात करेंगे, उसके लोक साहित्य पर बात करेंगे। लेकिन आप सबको मेरा जोहार। मैं डॉक्टर जमुना बेनी अरुणाचल प्रदेश से, जो पूर्वोत्तर का, ये जो हम जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, जिसमें सिक्किम हमारा बड़ा भाई है, सिक्किम को हम ब्रदर मानते हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर का जो सबसे सुदूर राज्य है, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जहाँ अरुणाचल प्रदेश को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की जो पहली किरणें हैं, अगर देश की अगर हम बात करें, तो देश में जो सूरज की जो पहली किरणें हैं, वो अरुणाचल की धरती को ही चूमती है। राइजिंग सन यानी कि अरुणोदय की भूमि भी इसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ से आप सब की इस आज इस संध्या में आप सब के सम्मुख में उपस्थित हूँ। और हर्षल जी भी जुड़ गए हमारे साथ। हर्षल जी, आपको भी जोहार। हर्षल गेदाम जी, आपको भी जोहार। आपसे हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में जी। तो उषा जी से मेरी बात हुई थी, उषा किरण जी से मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि गोंडवाना दर्शन हमारा एक फेसबुक साहित्यिक पत्रिका भी निकालती है, और ये काफी लंबे समय से, लगभग कई दशकों से उषा किरण जी और उनके जो स्वर्गीय जो उनके जो ये उषा किरण जी के जो पतिदेव थे, उन्होंने भी इस पर उन्होंने लगातार जो है वो अपना, जिसको ये कहे कि अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो उन्होंने इसका एक परिचय भी दिया और ये कहा कि हमने अभी इस कोरोना काल में लोगों से जुड़ने का एक माध्यम हमने ये खोल रखा है कि हम एक फेसबुक, एक हम हमने एक पेज खोला है, और इसमें हम निरंतर जो है हम देश के कुछ चुनिंदा जो वक्ता है, जो लेखक है, लेखिकाएं हैं, उनको हम प्रत्येक शाम 7 बजे हम लेकर आते हैं, और उसके बाद उनसे हम ये उनसे उनसे हम व्याख्यान, एक व्याख्यान श्रृंखला हम चला रहे हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो उषा जी ने हमें दिया, और उषा दीदी जी से बात करके मैं भी बहुत ज्यादा गदगद हुई। और उसके बाद उषा जी ने मुझसे ये कहा कि आप भी सुदूर अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ आप भी जुड़िएगा, बहुत हमें अच्छा लगेगा। और उन्होंने हमें ये कहा कि मैं निशी आदिवासी समाज से आती हूँ, तो कहा कि आप अपने आदिवासी समाज के बारे में आप बताइए कि वहाँ का समाज कैसा है, लोक जीवन, जो लोक आस्थाएं, लोक परंपराएं कैसी हैं, वो बताइए। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि लोक साहित्य, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज का, जैसे ये कहा कि लिखित साहित्य जो है वो हम सभी जानते हैं, लिखित साहित्य जो है वो बहुत बाद में आया, सारा सब कुछ जो है वो मौखिक, या जिसको हम ओरल लिटरेचर कहते हैं, या फिर जिसको वाचिक साहित्य कहते हैं, वो सारा वाचिक साहित्य में वो सब कुछ जो है वो संचित है। तो कहा कि इस पर भी आप प्रकाश डालिए। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रुचिकर विषय है, क्योंकि पिछले साल ही मेरा एक ये कहे कि पिछले साल ही एक मेरी किताब आई थी निशी लोक कथाओं पर। मैं जिस जनजाति समुदाय से हूँ, उसी उन्हीं की लोक कथाओं को लेकर मैंने अपने स्मृति के आधार पर, जो मैंने बचपन में जो कहानियां अपने माँ से, दादी से, दीदी से जो मैंने कहानियां सुनी थी, तो उन खैर वो लोग तो गुजर गए, उनको मेरा नमन है, वो लोग गुजर गए, लेकिन उनकी द्वारा जो सुनाई गई जो कहानियां हैं, उसे मैं स्मृति के आधार पर मैंने कहानी लिखी, और पिछले साल वो उस किताब का विमोचन भी हुआ। तो ये बड़ा, जैसे ये कहे कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। तो मित्रों, मैं देख रही हूँ कि काफी लोग भी जुड़ गए हैं, और
आपने बाद में शुरू करते हुए, सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अगर आप इसको देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का अगर आप मानचित्र देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो तीनों दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय राज्य है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक राज्य राज्य बन जाता है। ये आप उसको उस लिहाज से भी आप उसको देख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ये एक पहाड़ी प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इट्स ए हिली स्टेट, ये एक पहाड़ी प्रदेश है। और यहाँ खूब ये देखेंगे कि यहाँ जो है वो आप ये देखेंगे कि हरियाली खूब है यहाँ। और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता की अगर हम बात करें तो यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पांच प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें तीरप है, लोहित है, सुबनसिरी है, सियांग है, और उसके बाद कामेंग है। और सियांग नदी के बारे में एक रोचक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो सियांग नदी है वो चीन में या जो चाइना ऑक्यूपाइड जो तिब्बत है वहां ये सांफो के नाम से, ये नदी जो है वो सांफो के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है उसके बाद ये अरुणाचल से बहकर जब असम पहुंचती है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है, ये कहे असम पार करके जब बांग्लादेश पहुंचते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो पद्मा के नाम से वो जानी जाती है। तो ये जो नदियों का जो एक नामकरण है, नदियों का एक जो ये कहे कि उनका जो नोमेनक्लेचर है ये भी अपने आप में एक जबरदस्त ये कहे कि रुचि पैदा करती है। तो हमारे यहाँ पांच प्रमुख नदियां हैं और अगर हम यहाँ ये सारी पहाड़ी नदियां हैं। अब बारिश के, अब चूंकि ये बारिश का मौसम मौसम है तो बारिश के मौसम में ये इन नदियों में खूब उफान रहती है। और अगर इन नदियों की अगर आपको ये कहे कि शोभा देखनी है देखनी हो तो आपको इन बारिश के जो जो ये जो पावस ऋतु है बारिश के मौसम में आप जरूर इधर आइएगा। ये पूरे अपने एकदम पूरे अपने शबाब पर होती है ये नदियाँ। और उसके बाद यह अरुणाचल का अगर हम वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है इसको बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का अगर जो स्टेट जो फ्लावर है, यहाँ जो राजकीय जो पुष्प की अगर हम बात करें तो वो है फोक्सटेल ऑर्किड। फोक्सटेल ऑर्किड उसको कहते हैं। ऑर्किड का फूल कभी आप लोगों ने देखा होगा, काफी ये बहुत कुछ मैं कैसे उसको ये बताऊं, ऑर्किड आप लोगों ने देखा होगा नहीं तो आप लोग इंटरनेट पे उसको आप लोग सर्च कीजिएगा। तो यहाँ ऑर्किड जो जो पुष्प है इसके ऐसा कहा जाता है, जो बायोलॉजिस्ट है वो ये बताते हैं कि जो ऑर्किड पुष्प है केवल ऑर्किड पुष्प के ही यहाँ 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। मैं तो खैर रहती हूँ इधर ईटानगर में, ईटानगर से आप थोड़ी दूर और आप आगे जाएंगे तो वहां टिपी नामक एक जगह है। और उस टिपी नामक जगह में उस जगह पर एक ऑर्किड सेंचुरी भी है। तो वहां बाकायदा ऑर्किड का कल्टीवेशन, उसका ये कहे कि उसका कल्टीवेशन और उसको कैसे हाइब्रिड बनाया जाए इस पर वैज्ञानिक तरह तरह के जो वैज्ञानिक जो प्रयोग है वो सारा होता है। तो खैर ये मैंने अरुणाचल का एक ये कहे कि आपको भौगोलिक जो जो जानकारी है वो मैंने आपको आपके साथ मैंने साझा किया। अब हम यहाँ की जो रहने वाले जो जनजातियां हैं इनके बारे में अगर हम ये कहे कि भरत भारती जी का कमेंट आया है, बड़ा रोचक है, पहली बार इंडिजिनसों का अरुणाचल से गुजरात तक आपसी संवाद देखने को मिला। तो भरत भारती जोहार। तो ये जो है वो मैंने अभी जो बताई तो वो जो ये कहा कि एक भौगोलिक मैंने आपको परिचय दिया। अब मैं अगर इसकी संस्कृति और बाकी जो जनजातियां हैं इसके बारे में मैं अभी आपको परिचय देना चाहूंगी, उसके बाद सिलसिलेवार से हम आगे बातों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे।
अरुणाचल एक जैसे मैंने बताया कि अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अरुणाचल जो है वो पहाड़ी प्रदेश है। इस तरह से अगर आप इसको ये कहे कि आप इसकी कला ये इसको अगर आप कल्चरली या फिर आप उसको नृशास्त्र जो शास्त्री है उस दृष्टि से भी अगर आप उसको देखेंगे तो अरुणाचल जो है वो एक आदिवासी बहुल, एक जनजाति बहुल, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्राइबल, एक ट्राइबल स्टेट है, या ट्राइबल डोमिनेंट या ट्राइबल इनहेबिटेंट एक स्टेट है। तो अरुणाचल की हम मोटे तौर पर अपनी सुविधा के लिए, अगर हम मोटे तौर पर हमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अगर हमें करना पड़े तो अरुणाचल में कुल 26 मेजर ट्राइब है, 26 प्रमुख जनजातियां हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि इन भी है अपनी उप जनजाति जातियों से मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि हर एक जो ट्राइब है उसके अंतर्गत सब ट्राइब भी है। जैसे मैं एक आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, आदि यहाँ एक ट्राइब है, एक आदिवासी समुदाय है, एक ट्राइब है। आदि जो आदिवासी जो ये जो जनजाति है इसी के अंदर इसकी उप जनजातियां हैं, 14 उप जनजातियां हैं। 14 जैसे पादाम, मिन्योंग, कारको, सिमोंग, पाइलिबो, इस तरह से। ये तो खैर मैंने केवल आपको 5 नाम बताया। इस तरह से इसकी 14 उप जनजातियां हैं और इन 14 उप जनजाति विशिष्ट बोली भी है, विशिष्ट बोली बानी भी हमें वो दिखाई देती है। तो मित्रों मैं आपसे ये बता रही थी, आप लोगों को से मैं ये कह रही थी कि अरुणाचल प्रदेश में मोटे तौर पर 26 प्रमुख जनजातियां हैं और इन वाल्टर वाल्टर वेगरा सर जी बहुत बहुत जोहार, ऑर्किड के लिए अरुणाचल प्रदेश सचमुच बहुत लुभावन है जी। राजी हूँ आपसे अब जी, जोहार आपको वाल्टर भेंगरा जी। मैं उनको बहुत सम्माननीय है, उनको मैं बहुत बहुत आदर देती हूँ। उनसे मेरी मुलाकात, वाल्टर जी से मेरी मुलाकात रांची में हुई थी। आपको बहुत बहुत जोहार। तो मैं ये बता रही थी कि हर एक जो जनजाति है उनकी अपनी उप जनजातियां भी हैं और ये जो उप जनजातियां हैं इनकी अपनी विशिष्ट भाषा बोली भी है, वो भी हमें दृष्टिगत होता है। अच्छा, अगर कुछ प्रमुख जनजातियों की अगर हमें अगर नाम गणना अगर नाम गिनती अगर नाम गणना अगर हमें करना पड़े तो आदि है, अपतानी है, और उसके बाद सैदुपिन है, तागिन है, सिंगफो है, गालो है, निशी है, और इसी हिमाल की शिखर से जी कमला तमंग जी 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 जोहार, कमला तमंग जी भी जोहार आपको। खैर मित्रों मैं सबके कमेंट्स में मैं चूंकि बात में मुझे जारी रखना है तो सारे जो कमेंट्स है वो बीच बीच में जो मेरी दृष्टि में जो मुझे दिख जाती है मैं उस पर उसको मैं जोहार करती चली जाऊंगी। और अगर अन्यों को मैं अगर नहीं जोहार कर पा रही हूँ तो इसके लिए मुझे मैं इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। खैर तो ये सारी प्रमुख जनजातियां हैं और लेकिन मुझे आज जो है वो अपनी बात जो है जो मुझे केंद्रित करनी है वो है मुझे निशी जनजाति पर। मैं स्वयं निशी जनजाति से मैं बिलोंग करती हूँ तो मुझे निशी जनजाति पर ही मुझे मुझे बात करनी है। हाँ विरका जी, हाँ विरका जी जोहार आपको। जी 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 विरका जी जोहार जोहार। अच्छा वाल्टर जी ने लिखा है कैमरा का पोजीशन बीच में लाया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा जी, दरअसल मैं बहुत इस इन तकनीक ये जो है मैं इस बहुत मैं टेक से भी तरह से बहुत विस्तृत उसकी जानकारी नहीं है। जो जैसे कैमरा फिट हो गया मैंने उसको वैसा लगा लिया। मित्रों अभी मैं बात अपनी केंद्रित करूंगी निशी जनजाति पर। मैं स्वयं उस निशी जनजाति से आती हूँ और इस पर मैं अभी बात केंद्रित करते हुए, क्योंकि उषा जी ने भी मुझे कहा कि आप इसी पर अपनी बात केंद्रित रखेंगे। तो मित्रों निशी जनजाति जो है या निशी जो आदिवासी है इसका सबसे पहले आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये निशी का क्या अर्थ है, निशी निशी का क्या अर्थ है। तो निशी
निशि के दो अर्थ होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि निशि के दो अर्थ होते हैं। एक निशि का अर्थ होता है मानव, ह्यूमन, और निशि का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि निशि का दूसरा अर्थ जो है वो बहादुर, करेजियस, बहादुर, उसको भी निशि कहते हैं। तो जो निशि जनजाति है, अगर मैं इसके क्या है माइग्रेशन की हिस्ट्री में अगर मैं जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा विस्तार में वो चले जाएंगे, तो मैं उसका उतना माइग्रेशन वाला वो सारा वो हिस्ट्री नहीं बताते हुए मैं कुछ अन्य जो जानकारी है वो सामान्य जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। तो निशी का जो जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। और उसके बाद निशी का दूसरा जो अर्थ है वो है बहादुर भी। तो निशी जनजाति जो है वो अरुणाचल की, अगर हम 2011 जो जनगणना जो सेंसस अरुणाचल का 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें अरुणाचल की जो कुल आबादी है, इस स्टेट जो है, इस राज्य की कुल आबादी लगभग 13 लाख की मानी गई। लगभग 13 लाख में आप लाख है वो गैर अरुणाचली होंगे। गैर अरुणाचली से तात्पर्य मेरा वे लोग जो यहाँ व्यापार के सिलसिले में या फिर यहाँ नौकरी के सिलसिले में यहाँ जो है वो अस्थाई रूप से यहाँ बसे हुए हैं। एक रोचक चीज में आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अरुणाचल में जो भी गैर अरुणाचली है उसको अगर अरुणाचल में प्रवेश करना है तो उसको एक परमिट बनाना होता है, और उस परमिट को कहते हैं ILP, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट। आप मैं जैसे मैं खुद मैं यहाँ की मूलतः मैं अरुणाचल ही हूँ, तो मुझसे वो ये कहे कि परमिट नहीं मांगा जाएगा या मुझे वो परमिट नहीं दिखाना होता। लेकिन जो गैर अरुणाचली है, चाहे वो आप भारतीय क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको अरुणाचल में प्रवेश करना है तो वो आपको परमिट दिखाना होगा। और ये जो कानून है वो अब से नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश जमाने से, ब्रिटिश काल से ये कानून, ब्रिटिश काल में ये कानून बना था 1900, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1900 ने 1873 में, 1873 में ये कानून बना था, और ये कानून अभी तक इसका अनुपालन होता आ रहा है, इसका अनुपालन होता है। तो खैर, जो मैं आपको जो जो मैं बताने वाली हूँ वो ये कि ये जो 13 लाख की आबादी, इसमें मान लीजिए 2 लाख जो है वो गैर अरुणाचली हो सकते हैं, गैर अरुणाचली, जिसका मैंने कहा जो यहाँ नौकरी के सिलसिले में इसी तरह से परमिट लेकर उनको समय समय पर परमिट को उनको रिन्यू कराना पड़ता है, और वो उसका रिन्यू कराते हैं, तो वो लोग होंगे। और बाकी जो है 11 या 10 लाख जो है वो यहाँ की मूल आबादी होंगी। तो यहाँ की मूल आबादी में लगभग आप मान लीजिए कि 4 या 3 लाख के आसपास जो है वो निशी आबादी होंगी, यानी कि निशी पॉपुलेशन होंगी। इसका ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निशी जो है वो यहाँ अरुणाचल का है कि सबसे अरुणाचल की सब अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो निशी अरुणाचल की सबसे बड़ी आबादी, बड़ी आबादी वाली जनजातियों में गिनी जाती है, उसकी गिनती होती है कि ये बहुत बड़ी आबादी वाली जनजाति है। अगर हम निशी किन किन अरुणाचल के किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं अगर हम ये देखेंगे तो अरुणाचल में कुल 7 ऐसे जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जिले हैं, 7 जिलों में निशी निवास करते हैं। और इन 7 जिलों में जो निवास करने वाले जो निशी है इनकी हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि कोस कोस में पानी और बानी बदल बदल जाती है, इसी जनजातियां निवास करती है। इनकी भाषा उच्चारण में, कुछ भाषा बोली में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है वो उच्चारण को, टोन को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा भिन्नता आप नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने आपको निशी से संबंधित 2 बातें बताई, एक तो ये अरुणाचल की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, और दूसरी मैंने ये बताया कि ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट में इनकी जो आबादी है वो बटी हुई है। अच्छा, और एक जो मैं महत्वपूर्ण जो बात जो है वो मैं आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि अरुणाचल की जो पूरी जो आबादी है, धार्मिक दृष्टि से यानी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको आप क्लासिफाई करेंगे,
उसका वर्गीकरण करेंगे तो हम उसको तीन तीन वर्ग में हम उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला वर्ग वो जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं, और जो दूसरा जो वर्ग है वो ट्राइबल है लेकिन फिर भी वो बौद्ध बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और उसके बाद तीसरा, अगर तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरी वे जनजातियां हैं जो कभी किसी प्राचीन समय में प्रकृति की उपासना उन्होंने की होंगी, लेकिन अब जो है वो भी धर्मांतरित हो गए, अब वो क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म को या ईसाई धर्म का वो पालन करते हैं। तो ये जो है मैंने जो आपसे अभी मैंने ये बताया कि रिलीजन की दृष्टि से आप देखेंगे तो तीन हम इसकी कोटि बना सकते हैं। प्रकृति की उपासना करने वाले जो अब तक उसी पारंपरिक उपासना जो पद्धति है उसका निर्वहन जो अब तक जो अब कर जो, और तीसरा है जो जैसे मैंने कहा जो ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म का जिसने ये कहा है, जी मैं पढ़ रही हूँ कि जनजाति, जी, तो जो तीसरा जो है वो मैंने कहा जो तीसरा वर्ग है वो जो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया हो। अगर निशी जनजाति की बात कुछ इनमें भी कुछ ऐसे बस, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत ही बहुत संख्या में लोग जो है वो प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति में वो किसकी उपासना करते हैं? तो यहाँ की जो बौद्धिक समाज है, जो इंटेलेक्ट जो ये कहे कि जो ग्रुप है, जो बौद्धिक जो एक समूह है, उन्होंने एक उसके लिए एक टर्म ये कहे कि एक टर्म कॉइन किया। और ये जो टर्म है आप उसको ये जो टर्म है आप उसको इस तरह से जान सकते हैं कि ये जो टर्म है उसको कहते हैं डोनी पोलो, यानी कि निशी जो प्रकृति की उपासना, जो निशी जो प्रकृति की उपासना करते आए हैं वे प्रकृति में जिस प्रकृति की जिस रूप की उपासना करते हैं उसको कहते हैं डोनी पोलो। डोनी पोलो जी, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। डोनी पोलो, डोनी पोलो का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र। डोनी यानी कि डोनी हमारी निशी भाषा में डोनी का अर्थ है, हमारी निशी भाषा में डोनी का अर्थ है सूर्य। अच्छा मित्रों, एक और बहुत जो रोचक चीज है वो मैं ये आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सूरज, जैसे हिंदू मान्यता के अनुसार जो है, जो हिंदू जो है वो सूर्य को माता कह सूर्य को वो क्या है, सूर्यदेव कहते हैं, यानी कि सूर्य उसके लिए पुरुष है, एक पुरुषवाची एक ये कहे कि वो मतलब पुरुषवाची है। लेकिन हमारे लिए हम जो ऋषि है वो हम सूर्य को देवी कहते हैं, हम अन्नधोनी कहते हैं, यानी अन्नधोनी से अर्थ है कि सूर्य माता। तो हमारे यहाँ जो सूर्य जो है वो हमारे यहाँ एक स्त्रीलिंग या एक स्त्रीवाची या हम उसको एक शब्द कहते हैं। और पोलो, पोलो का अर्थ है पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा, पोलो का अर्थ है चांद। चांद को हम जो पोलो को हम उसको अबो पोलो या अतो पोलो भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है, मैं इस बात को इस तरह से समराइज करना चाहूंगी कि निशी मान्यता के अनुसार सूर्य देवी होती है, माता होती है, और जो चंद्र है या जो चांद है, चंद्र वो पिता होता है। तो हम उसकी उपासना करते हैं और हमारा जो धर्म है वो कहलाता है दोनी पोलो, यानी कि सूर्य और चंद्र। तो हम इसकी उपासना करते हैं। और उसके बाद यहाँ अगर हम तो यहाँ जो निशी समाज है वो साल भर तीन त्योहार मनाते हैं। ऐसे कई सारा जैसे ये कहा है कि एक पारिवारिक
स्तर पर हम देखेंगे तो कई सारे जो है वो छोटे मोटे पर्व त्योहार तो बनता रहता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत ही व्यापक एक बहुत व्यापक एक सामूहिक स्तर पर जो त्योहार मनाया जाता है उसे कहते हैं, अगर हम उसे देखेंगे तो वो दूसरा है बुरेवूत और तीसरा है लोंगटेर। और ये सारी जो त्योहार है ये सारे त्योहार कृषि संबंधी त्योहार है, कृषि संबंधी त्योहार है, यानी कि फसल वो हमारी से बचाव के लिए। अच्छा, मैं एक कथा आप लोगों को मैं यहाँ सुनाना चाहूंगी। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कमला। मैं कमला डिस्ट्रिक्ट की निश्री हूँ। तो कमला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बुरीबूत बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खूब हर्षोल्लास के साथ हम इसका आयोजन करते हैं। इसका हम ये कहें कि बहुत ही ये बहुत जिसको जश्न के साथ हम इसका खूब आयोजन होता है। तो ऐसा कहा जाता है, अब ये जो त्योहार है ये त्योहार इस त्योहार की उत्पत्ति के पीछे की जो कथा है। अब देखिए मित्रों, हम जो आदिवासी समाज है, हमारे आदिवासी समाज में कई सारी जनश्रुतियां, किंवदंतियां, मिथ कथाएं प्रचलित हैं। तो इसी तरह से ये जो बुरीभूत जो त्योहार है इस त्योहार की उत्पत्ति के पीछे भी और वो जो मिथक है या वो जो जैसे ये कहे कि जो कथा है वो बहुत रोचक है। अच्छा, मैं एक बात बताना यहाँ भूल गई, उसको मैं आपको मैं जोड़ना चाहूंगी। वो ये कि हम निशी जो है हम ये मानते हैं कि हम आबोतानी के वंश। बारे में मैं आपको चाहूंगी, आबोतानी हमारे आदिम पूर्वज हैं। आबोतानी हमारे आदिम पूर्वज, आदिम पूर्वज से तात्पर्य इसको इस तरह से समझिए कि बिल्कुल वो हमारे एंसेस्टर, वो हमारे एंसेस्टर हैं और हम उनके डिसेंडेंट हैं, हम उनके वंशज हैं, ऐसा मानते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको उस मिथ कथा के बारे में मैं आपको बताने वाली थी। तो वो मिथ कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है। हम ऋषि जो है वो, अभी मैंने आपको ये कहा, हम प्रकृति की उपासना करते हैं, धोनी और पोलो की उपासना करते हैं, सूर्य और चांद चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसके अलावा अगर आप निशी लोक मान्यताओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो ये कि हम ये मानते हैं, हम कई सारी आत्माओं पर भी विश्वास करते हैं, बहुत सारी आत्मा निशी है वो हम ऐसा मानते हैं कि मूलतः संसार में, संसार जो है वो पूरा आत्माओं द्वारा संचालित होता है। आत्माओं की ही आत्मा जो आत्माएं होती है वो ही संसार को सुचारू रूप से संचालित करती है। तो अब आप पूछेंगे कि ये आत्माएं ये किस किस्म की आत्माएं हैं। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी, हम निश्चय ऐसा मानते हैं कि आत्मा को हम उई कहते हैं, उई हमारी भाषा में आत्मा यानी कि उई। तो खैर, मैं ये बता रही थी कि हम ये मानते हैं कि संसार में मूलतः दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक होती है बेनेवोलेंट स्पिरिट्स, जिसको हम कहते हैं जिसको हम ये कहेंगे कि परोपकारी आत्माएं या फिर भली आत्माएं, और एक होती है मेलेवोलेंट स्पिरिट। मेलेवोलेंट स्पिरिट यानी कि बुरी बुरी आत्माएं या कहे कि दुष्ट आत्माएं, जो परोपकारी होती है वो मनुष्य के जीवन में खुशहाली लाती है। वो बिल्कुल ये है कि उसके ये कहे कि आशीर्वाद से खूब ये कहे कि अनाज जो है कह सकते हैं कि अनाज भंडारण भी खूब होता है, और जो पूरी तरह से जिसको ये कहें कि जो सुख है समृद्धि है वो भली आत्माएं लेकर वो भली आत्मा की आशीर्वाद से प्राप्ति होती है। और जितनी भी दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, वो सारी जो है वो दुष्ट आत्माओं की देन है। यहाँ तक कि ये जो महामारी है इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये दुष्ट आत्माओं
वायरस या फिर ये जो COVID-19 का भी जो कहर मचा हुआ है, जो प्रकोप मचा हुआ है संसार भर में, संसार के जो बड़े बड़े, आप ये कहें कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश जो हैं अब खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये जो महामारियां हैं, महामारियों से जो आदिवासी समाज है वो नहीं रहा। मैं अपनी बचपन की कई सारी कहानियां मैं सुनती हूँ, वो हमें बताती है कि किस तरह से हमारे बचपन में या अतीत में किस तरह से आदिवासी समाजों ने, जो ट्राइबल सोसाइटी है, उन्होंने बारंबार इस किस्म की जो महामारियां हैं उस महामारियों का, इन महामारियों का सामना किया। में देखें, अगर अरुणाचल के संदर्भ में देखें, ऐसा बताया जाता है कि जैसे जो कोलेरा जो है, कोलेरा की भयंकर महामारी यहाँ अतीत में फैली थी, ये हमारे जो बुजुर्ग है वो हमें बताते हैं। और उसके बाद जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के बारे में भी बताते हैं। स्मॉल पॉक्स को हमारे यहाँ तुबुम बुंगनम कहते हैं। तो जो तुबुम बुंगनम बताया कि ये भी खूब, इसका भी खूब प्रकोप था। और यहाँ जो भी कोलेरा की, जिस कोलेरा की मैं बात कर रही हूँ, वो कोलेरा को हमारी भाषा में इचिद्विल कहते हैं। और ये कहा कि इचिद्विल से भी जो पूरा का पूरा गांव जो है वो भी खत्म हो जाता है। इस तरह से कई सारे हमने कहानियां सुनी। खैर, मेरी जो बात है वो इन ये कहे कि महामारियों का परीक्षण या उस, या महामारियों को लेकर जो जो आदिवासी समाज है, जो समुदाय है, उनकी क्या दृष्टि है, वो जांच पड़ताल करना नहीं है, बल्कि निशी समाज और इनकी लोक साहित्य पर मुझे बात करनी है। तो इसलिए मैं फिर अपने विषय पर वापस आती हूँ। तो मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि हम ये मानते हैं कि दो प्रकार की आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं और परोपकारी आत्माएं। जो बुरी आत्माएं होती है वो इस किस्म की महामारी, विपत्ति, दुख, तकलीफ, इस तरह के कई सारे आपसी, बल्कि मन में भी, लोगों के मन में भी वैमनस्य, शत्रुता, क्रोध, इस किस्म के भाव पैदा करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुरी बुद्ध जो पर्व है, इसकी उत्पत्ति के पीछे जो कथा है वो ये कहा जाता है कि संसार में जब इन दो अच्छी और बुरी आत्माओं के बीच जब टकराहट हुई और उन दोनों के बीच जो है वो घमासान जो है वो युद्ध मचा। और उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि मानवों की जो आदिम जो पिता है, जिसको हम आबुतानी, अभी मैंने आबुतानी के बारे में आपसे चर्चा की, जो हमारे आदिम पूर्वज है, जब उन लोगों ने ये देखा कि आदिम मनुष्यों के जो आदिम पूर्वज आबुतानी जो है उसके पास असाधारण शक्तियां, पता लगा कि इसके पास जो है वो चमत्कारिक शक्ति है। और बहुत जो है इंटरेस्टिंग ये कि आबुतानी के बारे में ये कहा जाता है कि आबुतानी की तीसरी आंख थी, ऐसे कहा जाता है कि उसकी तीसरी आंख थी। तो ये कहा गया कि ये जो जितने भी जो बुरी आत्माएं हैं, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचते हुए इन लोगों ने आबुतानी की वो जो तीसरी आंख है, उस तीसरी आंख को नष्ट कर दिया। और आबुतानी जो है वो ये बताते हैं कि वो एक तरह से शक्तिविहीन हो जाता है। और उसके बाद हमारे आदिम पूर्वज आबुतानी बहुत ही हताश, निराश, और उसके बाद उसके मन में अजीब तरह तरह के विचार आते हैं, आत्मघाती विचार आते हैं। और तभी जो है वो ये एक तरह से कहे कि ये ठान लेते हैं कि मैं खुद को भी मार दूंगा, यानी कि मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। और उसके बाद ये जो संसार है, इस संसार को भी मैं खत्म कर दूंगा, इस संसार को भी मैं तहस नहस कर दूंगा। लेकिन अच्छी जो परोपकारी आत्माएं थी, परोपकारी आत्माओं में से एक आत्मा है जिसका नाम है जीजे युदा। उस आत्मा का जो नाम था वो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जीजे युदा। तो उस जीजे युदा जो परोपकारी आत्मा थी, उस जीजे युदा ने आबुतानी को समझाया। और आबुतानी को समझाते हुए उन्होंने ये कहा कि क्यों ना तुम एक बैठक बुलाओ, एक मीटिंग कॉल करो, एक बैठक बुलाओ। और बैठक बुला के कुछ तो ये कहा कि दोनों अच्छी और बुरी जो दोनों आत्माएं हैं उन दोनों को न्योता दो, न्योता देकर। और दरअसल देखे तो एक उन्होंने सुलह कराने का एक तरीका सोचा, एक सुलह कराने का एक, एक कि उसमें जो मन में जो तमाम तरह की जो शंकाएं
है, जो भी एक दूसरे को लेकर जो संदेह है उसको उसमें सुलझाओ। तो तब जो है आबूतानी को ये बात जची और आबूतानी आप बैठक बुलाकर वहां तमाम उस समय के संसार की जो तमाम शक्तियां थी, बुरी आत्माएं, परोपकारी आत्माएं, सबको उस बैठक में आमंत्रित। और उसके बाद उन लोग जो है वे सारी जो है वो एक नतीजे पर पहुंची कि सब जो है वो अपने सीमा में रहेंगे, अपनी सीमा में, अपने दायरा में रहेंगे, ना बुरी आत्मा अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगे, और उसके बाद ना जो है वो मतलब ये कहे कि इस तरह से एक सीमा निर्धारण किया, ये मनुष्यों का ये जो है ये कहा कि इस क्षेत्र तक मनुष्य निवास करेंगे, ये मनुष्यों का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र तक वो जो है वो क्या कहे कि जो बुरी आत्माएं हैं वो उसकी सीमा वहां तक काम करेंगी, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से एक बैठक में एक क्या कहे कि एक बैठक में एक निर्णय, एक बहुत एक स्वास्थ्य या एक बहुत ही एक हेल्दी एक कंक्लूजन, एक निर्णय तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद जो है वो सारे जो है वो एक दूसरे से गले लग कर मिलते हैं, खुश होते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ दावत होती है, और उसके बाद जो चीजें युदा है वो आबोतानी से कहते हैं कि जब भी इस तरह से मन में कोई उलझन पैदा हो, जब भी इस तरह से ये कहे कि मनुष्य जाति के नष्ट होने की खतरे की कोई घंटी अगर बजता तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारे मन में इस तरह से कोई उलझन पैदा हो, तुम्हें अगर ये कहे कि कोई रास्ता ना सूझे, तो इसी तरह से बैठक बुलाया करो, इसी तरह से बैठक बुलाओ, और ये कहे कि आपसी जो भी मनमुटाव है उसको इस तरह से सुलझाया करो। उसके बाद जो है आबोतानी वो इस ये जो बैठक था वो बैठक जो है वो सालाना यानी कि साल में प्रत्येक साल में वो बैठक होने लगा, तो वो जो मीटिंग है वो होने लगा, तो ये जो बैठक जो था वो सालाना होने लगा, और ये जो बैठक है वो आगे चलकर बुरी बुद्ध त्योहार या बुरी बुद्ध पर्व के नाम से, बुरी बुद्ध उत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये जो त्योहार है, आज इस त्योहार का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें किंचित हम थोड़ा सा परिवर्तन हम देख सकते हैं। आज ये जो त्योहार है वो सुख समृद्धि के लिए, खूब फसल की ये कहे कि अच्छी फसल हो, और उसके बाद गाँव में किसी भी किस्म का महामारी ना फैले, आपसी भाईचारा बनी रहे, इसके लिए त्योहार मनाया जाता है। और मैं तो खैर नौकरी के सिलसिले में यहाँ शहर में रहती हूँ, लेकिन जब भी बुरी बुद्ध का त्योहार आता है मैं भी गांव जाती हूँ, और उसके बाद मैं गांव जाती हूँ, और उसके बाद जो हम भाई बहने वहां मनाते हैं, ये बात मैंने आप लोगों के साथ मैंने साझा की है। अच्छा, ये बताया कि बुरी बुद्ध त्योहार जो है वो किस तरह से इस उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर एक आप लोगों के समक्ष जो है वो मैंने जो इसके पीछे जो कथा है उसको मैंने आप लोगों के समक्ष मैंने रखा है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी कि निशी जो आदिवासी समाज है, इस आदिवासी समाज में अब तो खैर बहुत ये कहे कि बहुत सारा बदलाव, और मैं नहीं कि बिल्कुल वो जो कि जैसे कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन जो है वो सृष्टि का एक नियम है, तो जो संसार जो है वो परिवर्तन के ये कहे कि उस प्रक्रिया से नहीं, जो समाज जो है वो नहीं गुजरता, वो एक तरह से मृत प्राय हो जाता है, ये प्राय हमने सुना है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इस समाज में भी खासा बदलाव आया है, लेकिन अगर हम अतीत की हम बात करें तो अतीत में इस समाज में कई सारी प्रथाएं भी थी। दरअसल वो प्रथाएं आपको सुनेंगे तो थोड़ा सा अजीबोगरीब आपको लग सकता है, ये क्या किस तरह की प्रथाएं। तो हमारे यहाँ निशी समाज की अगर हम बात करें तो निशी समाज में अतीत में नहीं बल्कि ये अभी भी कुछ एक जगहों में पालन होता है। चूंकि हम सब आप जो भी देख रहे हैं सारे आदिवासी हैं, तो मैं खुलकर अपनी बात में कह सकती हूँ, तो अतीत में हमारे यहाँ बहुविवाह की प्रथा थी। आप लोगों ने बहुविवाह पॉलीगेमी या पॉलीजिनी जिसको कहते हैं, तो अतीत में बहुविवाह की प्रथा थी, यानी कि एक पुरुष जो है वो कई सारी पत्नियां वो रखते थे, वो कई सारी पत्नियां ब्याह करके लाते थे।
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप अगर मेरे परिवार के बारे में अगर आप अगर मैं अगर जानकारी देती हूँ तो आप थोड़ा जरा चौंक जाएंगे। क्योंकि मेरे जो पिताजी मेरे पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वो आधुनिक अरुणाचल के, जो जिसको हम मॉडर्न अरुणाचल कहते हैं, आधुनिक अरुणाचल के वो निर्माता निर्माता उसके निर्माता भी वो रहे हैं आधुनिक अरुणाचल। नेताम जी ने कहा कि निशी भाषा के बारे में, जी जी ठीक है, निशी भाषा के बारे में मैं उस पर भी मैं बात करूंगी। खैर मैं ये इस एक प्रथा के बारे में मैं आपको जानकारी देने के संदर्भ में ये कहा कि उन्होंने जो है वो एलजी है, वेरियर के साथ उन्होंने भी काफी, उनके साथ वो उन्होंने काम विवाह प्रथा की मैं बात कर रही थी, तो ये बहुविवाह प्रथा जो है वो निशी समाज में वो प्रचलित थी। अब खैर अब जो कि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो ये प्रथा जो है वो छूटी जा रही है, लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा कि कुछ एक जो तबका है जहाँ ये जो प्रथा है वो प्रथा अभी भी ये कहा कि ज्यों का त्यों अभी भी वो चल रहा है। अब जैसे मैं अपने परिवार के बारे में आपको मैं बताने जा रही थी कि मेरे पिताजी ने 20 मैरिजेस यानी कि 20 शादियां की, 20 मैरिजेस 20 शादियां की। अगर अरुणाचल में अगर आप किसी को पूछेंगे तो आप पूछेंगे कि अरुणाचल में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक, तो मेरे पिताजी को मैं इस तरह से मैं देखती हूँ कि अतीत का जो जिसको नेफा, उस समय नेफा के नाम से वो जाना जाता था, ये जो हमारा जो पूरा जो क्षेत्र है एक लिंक का, इसको जोड़ने का एक हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा सूत्र है जो इसको जोड़ते थे, तो उन्होंने खुद 20 शादियां की। लेकिन आगे चलकर उन्होंने हम अगर बहनों की अगर हम बात करें तो हम कुछ 40 बहनें हैं, लेकिन बाकी अपनी सारी जो 40 जो उन्होंने अपनी जो बेटियां हैं सबको पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद सबको उन्होंने प्रेम विवाह के लिए उन्होंने छूट दिया कि सारे जो है वो प्रेम विवाह करेंगे, कोई इस तरह से ये कहा है कि जो अरेंज मैरिज है वो नहीं कर। बाद में जो आगे चलकर, अब देखिए ये बड़ा रोचक है कि जिस आदमी ने 20 बहुविवाह प्रथा के चलते उसी कमीशन राज्य महिला आयोग की वो सदस्य बनती है और आगे चलकर जो है वो ये जो प्रथा है इस प्रथा की मुखालफत करती है। तो इसीलिए मैं सही मायने में मैं मेरे पिताजी को मैं उसको मानती हूँ कि वो बहुत ही प्रगतिशील, ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकर के रूप में मैं आज भी उनको बहुत श्रद्धा के साथ में याद करती हूँ। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को पढ़ाया से दोहरा रही हूँ, चलकर वो राज्य महिला आयोग की सदस्य बनती है और फिर बाद में इस तरह की जो प्रथाएं हैं उस प्रथा के विरोध में, एक तरह से ये कहे कि उसके विरोध में इन लोगों ने अपनी लड़ाई भी लड़ी। खैर मैं देख रही थी कि नेताम जी का एक ये सवाल था, नेताम जी ने लिखा कि निशी भाषा के बारे में, तो नेताम जी में उषा जी ने कहा बहुविवाह के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा उषा जी ने बहुविवाह के बारे में ये कहा। खैर उषा जी अब तो ये बहुविवाह उस तरह से बहुत प्रचलन में नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ तबकों में इस तरह के बहुविवाह होते हैं। खैर मैं अभी नेताम जी जी को मैं उत्तर देना चाहूंगी। तो नेताम जी भाषा और लिपि की अगर हम बात करें तो मित्रों में आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अरुणाचल में के अरुणाचल की जो 26 प्रमुख जनजातियों में दो ऐसी केवल जनजातियां हैं, केवल दो आदिवासी समुदाय है, मैं नाम लेना चाहूंगी, एक है मोनपा और दूसरा है खामती। खामती और मोनपा यही दो केवल जनजातियां हैं जिसकी अपनी लिपि है। मोनपा बोती लिपि में, जो मोनपा जनजाति है वो बोती लिपि में लिखती हैं, और जो क्या है
ये कहा है कि जो खामती जनजाति है वो थाई लिपि में लिखते हैं, और बाकी जो जनजातियां हैं उनकी अपनी कोई भी लिपि नहीं। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं फिर से बता रही हूँ, बाकी जो जनजातियां हैं उनकी अपनी कोई भी लिपि नहीं है। बाकी जनजातियों की जो भाषा है वो लिपि विहीन भाषा है। अभी जैसे हमारे और भी आदिवासी भाई बहन है, जैसे कि संताली, अगर हम संतालों की अगर हम बात करें तो जो संताली भाषा के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहले बांग्ला लिपि में लिखा, जो बांग्ला लिपि में इसका लेखन होता था, बाद में इन लोगों ने अपनी एक लिपि विकसित कर दी जिसको हम पोलचिकी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद है, मैं बहुत ही दुखद, बहुत दुखी मन के साथ मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा दुखद है कि हमारी जो अरुणाचली भाषाओं के बारे में अगर हम ये कहें कि अरुणाचली जो भाषाएं हैं वो अमूमन लिपि विहीन भाषा है, यानी कि उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। केवल दो ऐसी जनजाति भाषा है, मोनपा और खामती भाषा, जिसकी अपनी लिपि है। तो अब सवाल यह है कि हमारी अपनी लिपि नहीं तो हम किस लिपि में लिखते हैं? अगर नेताम जी आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं नेताम जी आपको मैं ये बता रही हूँ, हम जो निशी है, अगर हम क्योंकि मेरे अगर लेखन की अगर हम बात करें तो मैं निशी में भी लिखती हूँ और हिंदी में भी लिखती हूँ। निशी मेरी मातृभाषा है, मैं उसमें भी लिखती हूँ, हालांकि निशी में लेखन बहुत कम मात्रा में है, उस तरह से नहीं जिस तरह से हिंदी में है। हिंदी में मेरा लेखन कार्य ज्यादा, ये कहे कि लेखन कार्य ज्यादा है, लेकिन निशी में बहुत कम मात्रा में है। तो निशी में मैं जब लिखती हूँ तो या तो वो रोमन लिपि में लिखती हूँ या फिर देवनागरी लिपि में लिखती हूँ। अब एक ये कहे कि लिपि बनाने की उस तरह से तो बात तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो ये चाहते हैं कि निशी की भी अपनी लिपि हो, लेकिन वो लिपि जो है वो रोमन लिपि होंगी। केवल रोमन लिपि में जो है वो कुछ जो है ध्वनि चिन्ह जो है उसमें जरा सा फेर बदल होगा, उसमें कुछ नया कुछ चिन्ह जोड़ कर या कुछ संशोधित करके उसको, यानी कि रोमन लिपि को ही थोड़ा सा परिवर्तित और संशोधन करके उसको उसको निशी जो भाषा है उसके लिए उपयुक्त बनाया जाए, उपयुक्त उपयुक्त हो। इस पर विचार विमर्श जो है वो काफी लंबे सालों से हो रहा है, और इस पर खूब, जैसे ये कहे कि बहुत सारा इस पर मीटिंग भी हुआ है। और हमारे अगर आप इधर अरुणाचली जो जनजातीय बोलियों की जो भाषा है, अगर उसका अगर आप देखेंगे कि वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो है वो इंडो टिबेटो जो लैंग्वेज फैमिली है, जिसको क्या जिसको ये कहे कि इंडो टिबेटो बर्मी जो लैंग्वेज फैमिली है वो इसके अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती है। उस तरह से भाषा पर बहुत प्रामाणिक रूप से मैं उस तरह से कहने अपने योग अपने आप को योग्य नहीं समझती, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ लिंग्विस्ट, मैं भाषा शास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे जो जो एक लेमैन के दृष्टि से एक जो मुझे जानकारी है वो ये है कि पूरा जो पूर्वोत्तर की जो भाषा है वो इंडो टिबेटो लैंग्वेज फैमिली के अंदर ही, इंडो टिबेटो बर्मन जो लैंग्वेज फैमिली है उसके अंतर्गत ही आती है। केवल मेघालय में जो खासी जो जनजाति है, मेघालय की जो खासी जनजाति की जो भाषा है वो शायद ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है, वो जो लैंग्वेज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो खैर, मुझे लगता है कि नेताम जी ये मैं आपकी तरफ से जो एक जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा को शायद मैंने जिज्ञासा का मैंने शमन किया हो। तो मित्रों, चूंकि समय इतना वक्त हो चला है, समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, अब मैं निश लोक साहित्य पर बात करती हूँ। एक ये अगर मैं इस पर बात नहीं करूंगी तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, एक बहुत अच्छा, उषा दीदी, जोहार जोहार उषा दीदी। उषा दीदी ने कहा निशी भाषा में कोई लोकगीत सुनाई है। जी, जोहार 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 उषा दीदी। ठीक है, उषा दीदी आप बहुत वरिष्ठ है, आपका कहना मैं टाल नहीं सकती।
मैं जरूर मैं खैर मैं उस तरह से बहुत सुरीली गा नहीं सकती, लेकिन मैं दो चंद पंक्तियां मैं जरूर सुनाऊंगी लोकगीत, उसके बाद फिर हम लोक कथाओं पर हम आते हैं। ये जो मैं लोकगीत गाने जा रही हूँ, ये हमारे बुरीभूत त्योहार में, जो बुरीभूत त्योहार है होता है उसमें ये लोकगीत हम गाते हैं, अमूमन हम ये गीत गाते हैं। तो लोकगीत इस तरह से है, बिन बी दोरे हई बिन बी दोरे बुरी बुतम मोला जो लबु सिकम जोला जो लबु जोला जो अजी बिन पी दोरे हई बिन बी दोरे बुरी बुतम मोला जो लबु सिकम जोला जो लबु जोला जो। बहुत बहुत धन्यवाद पाया लिंचो, पाया लिंचो यानी कि धन्यवाद, पाया लिंचो का अर्थ होता है धन्यवाद। तो मित्रों, ये उषा दीदी ने उषा दीदी ने ये कहा कि एक गीत सुनाने के लिए बहुत प्रेम से उन्होंने ये फरमाइश रखी, तो मैं ना नहीं कह पाई। इस गीत का जो भावार्थ है वो भी मैं आपको बता दूं, इस गीत का भावार्थ ये है कि इस गीत में एक दूसरे से जो निशी भाई बहन है वो ये कहते हैं कि उस आकाश में नभ में सूरज उगता रहेगा, और नीचे जो धरती है इस धरती पर नदियां बहती रहेंगी। आओ भाइयों और बहनों, हम एक ही तालाब से, हम एक ही पोखर से, तालाब से हम पानी भरे, एक ही पोखर से, एक ही तालाब से पानी भरेंगे, या पानी भरना हमारे भाईचारा को, हमारा जो आपसी जो भाईचारा का जो भाव है उस भाईचारा को और ज्यादा पुष्ट करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। आओ हम मनाए बुरी भूत, आओ हम सब मनाए बुरी भूत। धन्यवाद। तो ये इसका ये कहे कि अर्थ था भावार्थ। तो मैं अभी बहुत, चूंकि हमारे पास केवल अभी 8-9 मिनट ही है, तो मैं लोक साहित्य पर मैं बात करना चाहूंगी। लोक साहित्य पर निशी में जो बात करें, या लिखित साहित्य से तात्पर्य मेरा है आधुनिक साहित्य। अगर हम मॉडर्न, अगर हम इसका ये कहे कि इसमें जो मॉडर्न लिटरेचर या जो राइटिंग की अगर हम बात करें, तो बहुत खैर के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अच्छा, मरकाम जी ने एक सवाल किया कि निशी लैंग्वेज में माँ को हम अपा या आने कहते हैं, अपा या आने, और गुफा के लिए क्या शब्द प्रचलित है? तो गुफा को हम कहते हैं उबू, उबू कहते हैं गुफा को। खैर, मैं निशी शब्द का, मार्कम जी ने कहा कि निशी शब्द का क्या अर्थ, निशी शब्द का अर्थ है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, मानव, मानव, बहादुर, बहादुर जी। खैर, आप लोगों की जो ये कहे कि जो जिज्ञासाएं हैं वो मुझे लगता है कि मैं वो शमन करने में कामयाब रही। तो खैर, अभी मैं ये आपको पाया लिंचो नेताम जी, पाया लिंचो, तो मैं ये आप लोगों को कहने जा रही थी कि जो लिखित साहित्य है, या फिर जिसको ये कहे जो आधुनिक साहित्य है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ, वो बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं तो मैंने निशी पर कविता और बाकी जो है वो लिखने का वो मैंने प्रयास किया है। तो निशी समाज जो है, अगर हम देखेंगे, वो अगर उसका जो भी साहित्य है वो पूरा फोक है, मतलब वो पूरा जो है वो लोक में अवस्थित है, वो पूरा जो है वो एक तरह से ये कहे कि वो ओरली, ओरली यानी कि मौखिक, ओरली होता आया है। तो निशी का अगर हम देखेंगे, जो साहित्य या जो लोक साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही विपुल मात्रा में है, बहुत ही विपुल मात्रा में। अब देखिए, निशी मान्यताओं को, निशी धारणाओं को अगर आपको जानना है, तो आपको इन लोगों
है कि लोक साहित्य पर मेरी एक किताब भी आई है। अब देखिए कुछ एक जो लोक साहित्य है वो लोक कथाओं का मैं जिक्र करते हुए मैं आप लोगों को मैं आगे बढ़ूंगी। अब देखिए जैसे पिछले साल मेरी किताब आई थी, उस किताब में सर्वाधिक जो कहानी जो है एक लोक कथा थी जो सबसे जो जी 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 उषा जी 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 क्या मैं थोड़ा समय ले सकती हूँ? खैर जी जी धन्यवाद उषा जी। तो जो है वो सबसे उसमें उस लोक थी जिसमें जिसको सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और सबने उससे कहा कि इस लोक कथा को लेकर हम बिल्कुल एक फैंटेसी की दुनिया में हम पहुंच गए। वो दरअसल मैं आपको वो बताना चाहूंगी। हम निशे ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन जो है वो सतत चलता रहता है। अगर अंग्रेजी में इसको कहना पड़े तो हम कह सकते हैं कि लाइफ ये कहे कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद भी हमारा जो जीवन जो है वो सतत चलता रहता है। निशे ऐसा मानते हैं कि दो तरह का लोक होता है, संसार दो तरह का संसार होता है, एक जीवितों का संसार और एक मृतकों का संसार। मित्रों बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को कि हम निशे ऐसा मानते हैं कि जो तानी मोक है, तानी मोक को जीवितों का संसार या अंग्रेजी में जिसको कहेंगे द लैंड ऑफ लिविंग, यानी कि उई मोक, यानी कि उई मोक का अर्थ होता है, अब जैसे मैं एक किताब आप देख सकते हैं उई मोक यहाँ लिखा हुआ है, तो उई मोक जो है उई मोक का अर्थ है द लैंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का संसार, मृतकों का संसार। तो ये जो लोक कथा है ये होता है कि एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है यानम, वो अगाध प्रेम था, वो अपने पिता से बहुत 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 ज्यादा उसका पिता से लगाव था, पिता से उसका बहुत। गांव में महामारियां आती रहती है तो ऐसे हुआ कि गांव में जब भी महामारियां आए यानम के परिवार से एक एक सदस्य जो है वो उस महामारी में चल बसते हैं। अब ले देकर केवल यानम के पिता जो है वो बचे हुए थे लेकिन वो भी महामारी में चल बसते हैं। अब यानम का ये कहे कि वो यानम जो है वो अपने पिता की आंखों का वो तारा थी, अपने पिता से उसका बहुत ज्यादा जैसे मैंने कहा लगाव, उसका बहुत ज्यादा लगाव था। तो यानम जो है वो बिल्कुल ये कहे कि अपनी अद्भुत या अद्भुत प्रतिव्यक्ति का परिचय देते हुए जब पिता को दफनाया जाता है तो यानम जो है वो रात को चुपके से आती है और पिताजी का कब्र खोद के, अपने नन्हे हाथों से पिताजी का कब्र खोद के पिताजी के कब्र में वो कूद जाती है। और उसके बाद हम निशे ऐसा मानते हैं कि 3 दिन के बाद जो मृतक व्यक्ति जो है उसकी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और फिर आत्मा यात्रा करती है जीवितों के संसार से मृतकों के संसार की ओर वो यात्रा करती है। अब होता क्या है, ये जो यानम जो है वो चूंकि पिताजी से उसका जो बिच्छू है, पिताजी से उसका जो अलगाव है, उसको पिताजी के कब्र में कूद जाती है और वो पिताजी के शव के पास बैठ के, वो पिताजी के लाश के पास वो बैठ के कि पिताजी के शव से लाश से उसकी जो ये कहा कि जो आत्मा है वो निकलती है। और यानम जो है जो छोटी सी बच्ची है वो अपने पिताजी की आत्मा का पीछा करते 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 वो उस लोक में यानी कि मृत्यु जो मृतकों का जो संसार है उस लोक में पहुंच जाती है। और जब यानम वहां उस लोक में जो जिसको हम कहेंगे द लैंड ऑफ डेड यानी कि जो उस मृतकों के लोक में जब वहां पहुंच जाती है तो यानम जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती है, उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहां भी जीवन जो है सतत चल रहा है कि वहां जो है वो जिस भी यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जिस भी मनुष्य की यहाँ जो जिस भी एक ने कहा हम चेन और पेन के रूप में मान लीजिए जिस भी व्यक्ति की यहाँ पृथ्वी में मृत्यु हो गई थी वे सारे लोग उस लोक में है, वे सारे लोग जो है उस मृत्यु उस मृतकों के लोक में है और वहां भी उसी तरह से खेती बारी हो रहा है, वहां भी उसी तरह से पर्व त्योहार मनाया जा रहा है, वहां भी उसी प्रकार से घर बार बना के जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित यानम ने देखा कि इसकी पृथ्वी में इस लोक
उसकी चाचा मर गई थी, उसकी चाची मर गई थी, वो सारे लोग उस लोक में है, उस लोक में, उस उल्मोक में है। तो यनम जो है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो खैर, लेकिन बाद में इस तरह ऐसा होता है कि बाद में मैं पूरी कथा तो खैर मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, मतलब समय अभाव के कारण उस तरह से नहीं सुना पाऊंगी, सुना नहीं पा रही हूँ। तो बाद में जो इस तरह से ऐसा होता है कि जो नीव यानी कि जो पुजारी होता है उस लोक में भी वो पुजारी है, और वो पुजारी जो है वो यनम को समझा, बहुत ही प्रेम से समझा समझाते हैं कि बेटी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो तुम इस लोक में नहीं आ सकती हो, तुम्हें वापस जाना होगा। यनम मानती नहीं, लेकिन वो ये जो पुजारी है वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत दीर्घ है, तुम्हें लंबी उम्र प्राप्त है, तुम अपनी उस उम्र, अपनी जो आयु है वो खत्म करके तुमको, तुम्हारे पिता का हमने नाच गा कर स्वागत किया था, तुम्हारा भी हम स्वागत करेंगे, अभी तुमको वापस जाना होगा। और इस तरह जो है बहला पुसला कर फिर अपनी चमत्कारिक शक्ति से यनम को वापस उस पृथ्वी लोक वापस भेज देते हैं ये जो पुजारी है। तो ये बड़ा एक ये कहे कि ये आप इस तरह से इस लोक कथा के माध्यम से हमारा जो जिसको ये कहे कि एक स्वर्ग और नर्क का जो एक स्वर्ग और नर्क की जो अवधारणा है इसको आप देख सकते हैं हमारे निशि समाज में। कि आप गलत करेंगे तो आप नरक भुगतेंगे, नहीं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग और नरक है ही नहीं, हमारे लिए केवल ये है कि मरने के बाद भी जो है हमारी जो आत्मा है वो हमारे पूर्वजों के साथ उस लोक में वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे, वैसा ही जीवन यापन करेंगे। अच्छा, ये एक लोक कथा की बात हुई। इस लोक कथा से आप जो निशि जो मृत्यु संबंधी जो मान्यता है उस मान्यता के बारे में आपको एक जानकारी मिलती है। दूसरी लोक कथा है वो ये, इस लोक कथा से आपको ये पता लगेगा कि निशी लोगों का जो ये कहे कि जो मनुष्येतर जो प्राणी हो, जो प्राणी होती है उसके साथ उसका कैसा संबंध है। मनुष्येतर प्राणी में अगर हम कहे जो बाघ या जिसको हम टाइगर कहते हैं, टाइगर या बाघ, उसके बारे में टाइगर के बारे में हम ये मानते हैं कि जो बाघ या जो टाइगर है वो हमारे भाई होते हैं, हम टाइगर को नहीं मारते। आपको ये बहुत आपको ये रोचक कि हमारे बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में, यानी कि कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमटेंसेस आ जाए, अपरिहार्य स्थिति में हम बाघ को मारते हैं, नहीं तो हम बाघ को नहीं मारते। बाघ को मारने से आप निशि समाज में आपके ऊपर मर्डर का चार्जेस लग जाएगा, मर्डर का चार्जेस, क्योंकि बाघ को मारना जो है वो एक तरह से ये कहे कि एक जीवित मनुष्य की हत्या माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक लोक कथा है, वो आपको मैं संक्षिप्त में मैं बताती हूँ। ऐसा ही माना जाता है कि ये कहते हैं कि दो भाई हुआ करते थे, निशि जो लोक कथा है उसके अनुसार दो भाई हुआ करते थे, जिसका एक किसी का निशि इट अकाउंट्स दैट लाइफ जी यस यस के एम पेडोर सर इट्स वेरी ट्रू। तो इस लोक कथा के अनुसार यानी कि नीमा और मिया दो अनाथ, ये कहते हैं कि दो अनाथ भाई थे। तो ये दोनों जो है वो शिकार के लिए शिकार करने जाते थे। तो शिकार में हमारा चूंकि यहाँ एक पारंपरिक हमारा एक बैग लटका होता है, हम उसको बांस या बेंट से बनाते हैं, बेंट केन से, या हम उसको बांस से बनाते हैं, तो उसको हम बनाते हैं। तो वो जो है वो पीछे जो है वो जो भी आप वस्तु या जो भी सब्जी वगैरह या फिर जो भी आप शिकार में जो भी आप जानवर मारते हैं उसको पीछे इस तरह से नारा में रखते जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो नीमा और निया जो है, जो दो अनाथ भाई, दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद दोनों वहां से जो भी शिकार में इन्हें जो भी जंगल में जो भी प्राप्त होता है वो लेकर आ जाते हैं। एक दफा नीमा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है, तो नीमा शिकार के लिए जा नहीं सकता, तो तब जो है वो निया को जाना होता है। तो निया तो जब तक नीमा घर पर बीमार, एक रोगी घर पर रोगग्रस्त होकर बीमार होकर जब तक उतना दिन तक, मतलब उतने दिनों तक जो है वो जाकर शिकार मारकर वो लाते थे। अब ये कहा जाता
मारकर लाते थे, जैसे गिलहरी है, चिड़िया है, जो भी वो छोटा मोटा जो भी शिकार मारकर लाते थे, वो जो शिकार जो ये कहा कि वो जो सारे जो जानवर थे उसके जो है वो सिर गायब थे, यानी कि बदन जो है वो शरीर तो था फिर, लेकिन सिर गायब था। तो नीमा को बड़ा आश्चर्य होता है और नीमा अपने से पूछते हैं निया से कि अरे ये सारे जो आप शिकार मारकर लाए, ये सारे शिकार इनके तो शरीर तो है, बदन तो है, लेकिन इसका सिर कहाँ है, सिर गायब है। तो निया कुछ बताता नहीं, वो कुछ कुछ बहाना सा करके वो टाल देता है, कहता है कि तुम बहुत बीमार हो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन जो नीमा है उसके मन में एक वो एक संशय जो है वो पैदा हो गया, एक जिसको ये कहे कि एक जिसको संदेह जो है, एक शक जो है वो पैदा हो गया। जी जी वो नेताम जी 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 तो हमें उसे जो है शक जो है वो पैदा हो गया। तो एक बार को शिकार पर भेजने के बाद वो चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है कि आज मुझे पता करना होगा कि ये रहस्य क्या है, कि शिकार के शरीर तो है लेकिन सिर गायब है, इसका रहस्य क्या है। फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है, छुप छुप के उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे वो छुप जाता है। वो देखता है कि वो अब कोई शिकार आएगा तो ये करता क्या है। तो उसने ये देखा और वो देख कर वो बिल्कुल उसका सिर चकरा जाता है। उसने ये देखा छुपके से कि निया जो है वो शिकार, जैसे सामने गिलहरी आ गया, चिड़िया आ गया, उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद जो है उसका सिर जो है सिर को कच्चा चबा के खा गया और जो शरीर है उसको पीछे बैग में नारा नामक जो बैग है उसमें डाल दिया। तो ये देख तो है एकदम उसके होश बिल्कुल पाख्ता हो गए और वो तुरंत वो जहां हुआ था वहां उस स्थान से आता है। और उसके बाद जो है वो इससे निया से सीधा कह क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं इस तरह से, आप जानवर का आधा जानवर आप क्यों, आप जानवर को क्यों इस तरह से आधा आप क्यों खा रहे हैं, इसके सिर को क्यों खा रहे हैं, तो उसको तो भूनकर खाना चाहिए, आप इस तरह से क्यों खा रहे हैं। तब जो है वो निया जो है वो बताता है, कहता है कि निया कहता है कि वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले जो मेरा ये जो है शरीर है इसको जरा खुजाओ, बहुत खुजली हो रहा है। तो निया जो है उसके शरीर को खुजाता है और जहां जहां खुजाता है वहां यानी कि देखते देखते धीरे धीरे जो निया जो है वो देखते ही देखते वो जानवर में, जानवर वो भी बाघ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो है वो नीमा से ये कहता है कि पता नहीं ये किस तरह से उन्होंने ये कहा, मैं बहुत असहाय हूं। वो ये कहता है कि ये जो आ, आ, मेरा जो राज है और दोनों वहां से अलग हो जाते हैं। तब से निया का जो क्षेत्र है वो है जंगल और नीमा का जो क्षेत्र है वो मनुष्यों का गांव, ये ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए हम बाघ की हत्या नहीं करते। अगर आप हत्या करेंगे तो जैसे मैंने आपको ये कहा मर्डर जो चार्जेस है, मर्डर का आपको चार्जेस भी लग सकता है, तो इसलिए हम बाघ की नहीं हत्या करते। हाँ, बाघ का संकट हो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, तब तो अपने आप डिफेंस के लिए, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, नहीं तो या हम बाकी या अन्यथा हम बाकी हत्या नहीं करते। तो मित्रों समय तो हो चला है और जी, दोनों तरफ। तो मित्रों समय हो चला है और एक अंतिम लोक कथा पर बात करने के पश्चात मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगी। एक अंतिम लोक कथा है, एक अंतिम लोक कथा, उस पर बात करेंगे। बात करने के बाद मैं अपनी बात को मैं अच्छा, यहाँ प्रकाश जी ने प्रश्न पूछा, बाघ को निशी में क्या कहते हैं। बाघ को हम निशी में क्या को पात कहते हैं, पात या पाते, जी पात या पाते कहते हैं जी। मित्रों एक मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। इस अंतिम लोक कथा के माध्यम से आप निशी के जो शिकार संबंधी जो मान्यताएं हैं, आखेट संबंधी शिकार संबंधी जो मान्यता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो हम जो निशी हैं वो हम ये मानते हैं कि
जितनी आवश्यकता हो उतनी ही शिकार करनी चाहिए। मैं फिर से दोहरा रही हूं मित्रों कि जितनी आवश्यकता हो, इस जितनी ही आवश्यकता हो उतनी ही शिकार हमें जो है वो शिकार करनी चाहिए। नहीं तो जो शिकार जो है, क्षमा करें, नहीं तो जो शिकारी है वो खुद भी शिकार हो जाता है। फिर से मैं निशी शिकार संबंधी मान्यताओं, आखेत संबंधी मान्यताओं के बारे में दोहरा रही हूँ। जितनी आवश्यकता हो उतनी शिकार करनी चाहिए, वरना या अन्यथा जो शिकारी है वो स्वयं भी शिकार बन जाता है। अच्छा, अब इससे संबंधित एक लोक कथा है। उस लोक कथा का शीर्षक है यमर। कहता है कि यमर नामक एक बहुत ही चंचल, चुलबुली, अलहर एक लड़की थी। और इस लड़की को मछली, एक ना ये लड़की जो है वो मछली का खूब शिकार किया करती थी, खूब मछली मारती थी। अब इसका मन जो है उसमें रमा रहता था। अब ये नदी जाती, अब ये बताया जाता है कि एक पहाड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस छोटा सा गांव में एक ये यामर एक बहुत ही चंचल लड़की रहती थी, बहुत ही जिद्दी, माँ बाप की नहीं सुनती। तो ये जब भी नदी जाती खूब बड़ बड़ कर टोकरी बर्तन टोकरी बड़ बड़ कर मछलियां लाती थी। झींगा, हम मछलियों को हमारी निशी भाषा में मुई कहते हैं और झींगों को हम अपनी भाषा में उसके बाद जो है इसकी माँ जो है यावर की माँ इसे खूब डांटती थी कि इतनी सारी मछलियां और झींगा मत पकड़ा करो, इतनी सारी मछली और झींगा जो है उसको पकड़ना गलत है, उतनी ही शिकार किया करो लगता है, तुम आवश्यकता से अधिक शिकार कर रही हो, ये गलत है कि मछली और झींगा इतना गांव में बांट देने के बाद, सारा गांव में आप अगर बांट देंगे, बांट देने के बाद जो है उसके बाद भी जो है मछलियां जो है वो बच जाती थी, झींगे बच जाते थे, उसे फेंकना पड़ जाता था, यानी कि वेस्टेज होता था, फेंकना पड़ जाता था। तो माँ ने समझाया कि बेटी तुम माना कि जिद्दी हो लेकिन तुम हमारी बात भी सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को शिकार करते करते तुम खुद भी शिकार हो जाओ, ये गलत है। लेकिन यमर टहरी जिद्दी, यमर टहरी बहुत चंचल, वो कब मानने वाली थी, माँ की उसने मानी नहीं। फिर एक दफा ऐसा होता है कि ये शिकार करने गई और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो लौटी नहीं। रात हो जाती है, लौटी नहीं, पिताजी परेशान, माताजी परेशान यमर के नहीं लौटने से। फिर इसके बाद जो है वो पिताजी जो है आधी रात को गांव वालों को, लेकिन उसके बाद सवेरे थोड़ा सा फोपट्टा है, सवेरे मतलब ये कहा कि सुबह हो जाती है और सवेरे होता है तो ये लोग जोर जोर से यमर यमर करके आवाज लगाती है कि यमर यमर करके। फिर उसके बाद जो है वो यमर के कदमों का जो उसके जो कदमों का जो निशान था, उस कदम के निशान का पीछा करते 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 ये लोग एक जगह पहुंचते हैं। एक बड़ा सा पत्थर होता है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर के पास जब ये जो उसके जो यामर के जो कदम के निशान वो वही खत्म हो जाते हैं। तो वहां जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही उसके पिताजी फिर से दोबारा आवाज लगानी शुरू करती है, तो कि यामर 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 यामर। फिर उसके बाद जो है नीचे से बिल्कुल एक मरियल सी आवाज आती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, अबू यानी कि पिताजी मैं यहाँ हूँ। और उसके बाद जो है यानी कि के नीचे दब जाती है, एक बड़े से एक पत्थर के नीचे वो दब जाती है, एक विशाल पत्थर के नीचे दब जाती है। उसके बाद जो है वो पिताजी और गांव वाले सारे दौड़ कर जो भी हथौड़ा भाला जो भी मिलता है सब तरह से प्रयास करते हैं उस पत्थर को तोड़ने का, लेकिन पत्थर जो है वो थस से मस टूटता नहीं, बिल्कुल भी विखंडित नहीं होता, बिल्कुल भी टूटता नहीं। तो सारे जो गांव वाले जो हैं वो लगभग 1-2 सप्ताह तक प्रयास करते करते सब बात में हाथ खड़े कर लेते हैं, सब जो है वो हाथ खींच लेते हैं कि अब तो ये पत्थर जो है वो टूटने वाला नहीं। सब उसके बाद उस जगह पर केवल रह जाते हैं यमर की माता पिता और यमर। उसके बाद यमर तो उसी पत्थर के नीचे ही दबी रह जाती है और यमर जो है वो भी ये नीचे से कहती है कि माँ माँ पिताजी पिताजी वो खा रही है, झींगे जो है वो मेरे पाँव को खा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे खाते
जो है वो पुकार लगाती रहती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन उसके माता पिता बेचारा बहुत, ये कहे कि बहुत ही बेचारगी में, बहुत ही हताश, निराश, लाचार नहीं बचा पाते, क्योंकि वो पत्थर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं, उसे जितना भी आप धक्का दो या ठेलो वो फिर भी नहीं हिलता। तो इस तरह जो है वो माता पिताजी जो है वो अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की, जैसे ये कहे कि धीरे धीरे उसकी जो एक जो धीमी जो मृत्यु है, उस धीमी मृत्यु होते हुए वो अपनी जो दोनों माता पिता जो है उसकी वो साक्षी बनते हैं। और बाद में धीरे धीरे यमर जो है वो मछली और उसके बाद झींगा है और अन्य प्रकार के जो जलचर है और अन्य प्रकार बन जाती है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उन जलचरों का वो स्वयं आहार बन जाती है। और ऐसा कहा जाता है निश समाज में, आज भी ऐसा कहते हैं, आज भी उस जगह अगर आप जाएंगे तो आपको वहां वो पत्थर अभी भी दिखाई देगा। और वो पत्थर जो है आप दूर से देखेंगे तो वो एक लड़की, वो एक दूर से देखेंगे तो वो एक लड़की का आभास देता है, लेकिन आपको लगेगा ये वो दूर एक लड़की खड़ी है। आप फिर दूर के उसके निकट जब आप जाएंगे तो वो दूर से आप दौड़ते हुए जब निकट आप जाएंगे कि दूर से आपको वो एक लड़की जैसे आपको दिखाई देती है, आप लड़की का आभास होता है, लेकिन आप ज्यों ही पास आकर देखेंगे तो आपको पता लगता है कि वो जो है ये कह कि वो तो लड़की नहीं बल्कि पत्थर है। तो इस तरह से यहाँ आप अभी जो मैंने बताया निशी जो आखेत संबंधी जो शिकार संबंधी जो जो मान्यता है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे कि किस तरह से जो है उतनी ही मात्रा में शिकार करनी चाहिए जितनी हमारी जरूरतें हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है। तो मित्रों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, मैं लगभग 1 घंटा से लगातार बोल रही हूँ, तो मुझे इजाजत दीजिए। आ जो भी आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं आप अपने घरों से जो मुझे देख रहे थे या जो अभी भी देख रहे हैं उन सबको जोहार, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मैं लगातार 1 घंटे से मैं लगातार 1 घंटे से मैं बोल रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा विश्राम चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अरुणाचल के बारे में, यहाँ के भूगोल के बारे में, यहाँ की जनजातियों के बारे में, विशेषकर जो निशी जनजाति है, निशी जनजाति के बारे में, निशी लोक साहित्य के बारे में एक ये कहे एक परिचयात्मक एक जानकारी आप लोगों को मिल गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। पाया लिंचो यानी कि हमारी भाषा में धन्यवाद। जोहार मित्रों, पाया लिंचो।